हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आईबीपीएस, आरआरबी और लेखपाल, अगर मैं लेटेस्ट एग्जाम्स की बात करूँ तो बहुत ही जल्द लेखपाल तो 10 दिन के अंदर, और आईबीपीएस आरआरबी भी 20-25 दिन के बाद आने वाला है। तो बहुत सारे लोग, सभी लोग पढ़ाई में लगे होंगे, लगे रहिए। कभी कभी छोटे छोटे से मोटिवेशन, छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर करती हैं। सबसे पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, बहुत सारे मेरे पास कॉमेंट्स आते हैं कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाते हुए स्माइल नहीं करती, या कुछ बताते हुए मैं बिल्कुल भी खड़ूस टाइप की टीचर नहीं हूँ। लेकिन क्या है ना, रिकॉर्डिंग क्लासेस में समझ में नहीं आता जब कोई सामने इंटरेक्शन ही नहीं है। अभी लाइव क्लासेस जब हम स्टार्ट कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। संडे, बाय संडे और मंडे तक स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो मैं बहुत स्माइलिंग हूँ और सब कहते हैं मेरी स्माइल अच्छी भी बहुत है। तो डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी खड़ूस टाइप की टीचर नहीं हूँ। और मुझे कुछ लिखने का शौक है, बहुत टाइम से मैं लिखती हूँ, अभी से नहीं। तो मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे ही खुद को ही मोटिवेट करने के लिए कुछ लिखा था, और होप्स हो कि आप सबको भी ये मोटिवेट करेगा। इस इन लाइंस को आप ध्यान से सुनिएगा। मंजिल दूर है तो क्या, रास्ते छोड़ देने से तो पास नहीं आएगी। मंजिल दूर है तो क्या, रास्ते छोड़ देने से तो पास नहीं आएगी। हुनर तेरे पास है कदम बढ़ाने का, हुनर तेरे पास है कदम बढ़ाने का, वो चल नहीं सकती जो तेरे पास आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और इन लाइंस पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका कंक्लूजन यही है कि मंजिल की तरफ हमें ही जाना है, वो कभी नहीं चल के आएगी। तो लगे रहिए, करते रहिए। बेस्ट विशेस फॉर यू, और डेफिनेटली यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं बिल्कुल भी खड़ूस नहीं हूँ।